इंडिया में शूज को नया जैसा रखना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड अगर बारिश हो रही हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, बदबू आती है उनमें से, चू 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 वाली आवाज भी आती है, तो क्या करें, शूज पहनना छोड़ दें? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा, एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत बढ़िया हैक्स अपने शूज को अच्छा रखने के लिए मॉनसून में, एंड शूज को बिना खराब करे उनकी लाइफ लंबी रखनी है तो सारे पॉइंट ध्यान से सुनना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट फॉर टू न्यू वीडियोस एवरी वीक। टिप नंबर 1, रियल लेदर या फिर स्वेड शूज बिल्कुल भी नहीं पहनने इस सीजन में। मॉनसून में शूज बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो आपको पहनने चाहिए EU मटेरियल के या फिर कैनवस या फिर नेटवेयर, क्योंकि इनको साफ करना आसान है। वैसे कलर्स भी अगर आप इनके डार्क वाले पहनोगे तो बेटर है, क्योंकि लाइट वाले कलर्स में ना गंद ज्यादा दिखता है। मैं पर्सनली अपने एक पुराने स्नीकर्स मॉनसून के लिए ही रखता हूँ, तो हर साल सिर्फ मॉनसून में पहनता हूँ छोटे मोटे कामों के लिए। मेरे लिए वो स्नीकर है मेरे पुराने एडिडास के वेरियंट्स। टिप 2, ध्यान रखने पे भी शू का गंदा होना बहुत आसान है मॉनसून में, तो रेगुलरली अपने शूज को किसी अच्छे शू क्लीनर से साफ किया करो। मैं कुछ अच्छे वालों के लिंक्स जो मैं यूज करता हूँ नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपके पास एक शू क्लीनर नहीं है और आपका शू का सिर्फ नीचे वाला आउटसोल वाला पार्ट ही गंदा हुआ है, तो उसका एक हैक है कि आप टूथपेस्ट और एक ब्रश से उसको साफ कर सकते हो। बस जैसे दांत ब्रश करते हो वैसे ही ब्रश पे टूथपेस्ट लगा के इस वाले पार्ट को अच्छे से घिस के साफ कर दो। लेकिन इसको ऊपर वाले पार्ट में मत करना, नहीं तो उसकी सारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। एंड 2000 लाइक्स इस वीडियो पे होते ही स्नीकर क्लीनिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। टिप नंबर 3, अगर स्नीकर्स गीले हो गए हैं पूरी तरीके से क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया बारिश में, या फिर इतनी तेज ही बारिश हो गई एकदम से, तो चिंता मत करो, इनको बाहर धूप में रख दो, इनके अंदर बहुत सारा न्यूज़पेपर भर के। कुछ टाइम में न्यूज़पेपर इनके अंदर का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा धीरे धीरे, एंड आपके शूज एकदम सही हो जाएंगे 1 या 2 दिन में। टिप नंबर 4, जब भी बाहर जाओ तो साथ में शू वाइप्स जरूर रखो। अगर आप बाहर गए और आपके शू पे कुछ गंदा सा स्पॉट लग भी गया, तो आप उसको अगर उसी टाइम साफ कर दोगे ना एक अच्छे से शू वाइप से, तो वो वहां पे सेटल नहीं हो पाएगा और परमानेंटली गंदा नहीं करेगा शू को। जो शू वाइप या स्नीकर वाइप होता है वो बेसिकली डिटर्जेंट में सोक्ड एक टिश्यू पेपर टाइप का होता है, तो वो अच्छे से आपके शूज को साफ कर देता है। लेकिन अगर आपके पास शू वाइप या स्नीकर वाइप खरीदने का बजट नहीं है, तो आप बेसिक जो वो फेस वाइप्स आते थे ना पहले अल्कोहल वाले, वो भी यूज कर सकते हो। टिप नंबर 5, मॉनसून में ना शूज से स्मेल भी बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे तो यार महंगी महंगी शू डिओड्रेंट्स आती हैं, बट मैं कहूंगा उस पर पैसे मत लगाओ। एक बेसिक सा हैक है, जब भी आप शूज पहन के आओ तो उसके अंदर सबसे पहले एक सैनिटाइजर स्प्रे करो। सैनिटाइजर स्प्रे सबके पास आजकल होता ही है। उसके बाद उनको जब अपनी जगह पे रखोगे तो उनके अंदर एक एक ग्रीन टी का बैग डाल दो। ग्रीन टी का बैग उसके अंदर का मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगा और ओडर यानी कि बदबू कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी कैंसिल आउट करेगा। बेटर होगा अगर वो ग्रीन टी लेमन या जिंजर वाली है, क्योंकि उससे उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। इससे आपके शूज एकदम फ्रेश रहेंगे। टिप नंबर 6, जब भी घर आओ एंड शूज अपने उतारो, तो उसके बाद ना उनकी शेप थोड़ी बेंड होने लग जाती है, एंड मॉनसून के मॉइस्चर की वजह से ये चीज और भी जल्दी होती है। तो घर आते ही उनके अंदर शू ट्री जरूर डाल लेना 24 आवर्स के लिए। शू ट्री बेसिकली आपके शू के अंदर की शेप का ही बना हुआ होता है, एंड वो आपके शू के अंदर वाले पार्ट को ना स्ट्रेच करके रखता है। इससे जब आपने शू उतारा हुआ है तो वो बेंड नहीं होता और उसकी स्ट्रेट शेप मेंटेन्ड रहती है। प्लास्टिक वाला चीप होता है, लेकिन अगर आप वुड वाला लोगे तो वो शू के अंदर के थोड़े मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो शू के अंदर से स्मेल भी कम आती है। भाई ये मस्ट हैव है, क्योंकि शू की ना शेप बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो हमेशा नया दिखे एंड आप लंबा चला पाओ। टिप नंबर 7, वैसे तो आपको हमेशा ना 2 पॉलिथीन बैग कैरी करने चाहिए अपने आपके साथ मॉनसून में, ताकि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा एरिया दिखे जहां पानी भरा हुआ है तो आप फटाफट अपने शूज के ऊपर उनको चढ़ा लो एंड उस एरिया को क्रॉस कर लो। बट अगर बारिश बहुत हुई है एंड हर जगह पडल्स बने हुए हैं और ये जनरली होता रहता है, तो बेस्ट है आप मंगवा लो शू रेनकोट्स। जैसे कि मेरे ये सिलिकॉन के बने हुए शू रेन कवर्स हैं, बस शूज के ऊपर इनको चढ़ा लो, एंड उसके बाद आपको अपने घर से कहीं भी जाना हो तो वहां पे जाओ इनको पहन के, एंड जब वहां पहुंच जाओ तो उतार दो। फिर वहां पहुंच के आप अपने साफ वाले शूज शो ऑफ कर पाओगे। जैसे ये वाले जो मैंने मंगवाए हुए हैं, इनकी वजह से मेरे अंदर के व्हाइट स्नीकर्स एकदम साफ रहे, बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, आप देख ही सकते हो। टिप नंबर 8, आपको अपने शू पे ना एक वाटर रिपेलेंट स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि अगर आप बाहर निकलो और उस पर पानी की कुछ छींटे पड़े भी तो वो उसमें एब्जॉर्ब ना हो। वाटर रिपेलेंट स्प्रे बेसिकली एक वाटर प्रूफ एक कोटिंग एक लेयर बना देती है आपके शूज के ऊपर, जो कि वाटर को रिपेल करती है। तो इनको 3-4 दिन में एक बार अपने शूज के ऊपर अच्छे से स्प्रे करो पूरे एरिया कवर करते हुए, एंड ये सूखने के बाद वो फिल्म बना लेगा जिससे कि पानी अंदर नहीं जाए। अगर आपके पास ये स्प्रे नहीं है तो इसका एक हैक ये है कि अगर बारिश ऊपर से नहीं हो रही, बस बाहर थोड़ी सी रोड्स गीली हैं और आपको उससे अपने शूज को बचाना है या थोड़े से पडल से बचाना है, तो आप अपने शू के सराउंडिंग पार्ट पे जो आउटसोल वाला एरिया है उसके ऊपर आप एक कैंडल रब कर सकते हो अच्छे से। तो वैक्स एक बार आप हर जगह अच्छे से फैला के लगा लोगे, उसके बाद एक ब्लो ड्रायर से उसको गर्म करके पिघला दो, वो जो मेल्ट होके जो वैक्स की जो एक लेयर बन जाएगी ना उसके ऊपर, वो पानी को अंदर घुसने से बचाएगी। लेकिन ये स्नीकर की ना मेन बॉडी पे मत लगाना,
क्योंकि वैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ब्लो ड्रायर मारोगे ना तो उतनी हीट से आपकी स्नीकर का जो कपड़ा या जो भी मटेरियल है ऊपर का वो खराब हो सकता है। टिप नंबर 9, यार मॉनसून में ना शूज स्क्वीक भी बहुत करते हैं, मतलब वो चलते चलते जो टू टू वाली साउंड आती है ये ना अंदर के फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है। मतलब आपकी जो शू की टंग होती है वो और उसके ऊपर वाले पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से वो चू चू वाली साउंड आती है। तो इसका हैक ये है कि आप उस पार्ट में वैसलीन लगा सकते हो, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो, जिससे कि उसके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाए, तो चू चू वाली साउंड चली जाएगी लेकिन बंदा चू चू ही रहेगा। टिप नंबर 10, आलस के मारे स्लिपर्स या सैंडल्स या स्लाइड्स मत पहनना मॉनसून में प्लीज। आपका स्टाइल तो खराब होगा ही, बट चप्पल पहनोगे वो पीछे से पानी उछल उछल के आपकी पैंट भी खराब कर सकता है, और हाँ गंदे पानी में पैर डालने से आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ब्रो पसंद आया वीडियो तो अपने गीले शूज उठा के लाइक बटन पे मार दो एंड सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियोस भी देखो। टू लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।